अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शीरमाल की रेसिपी। आज हम शीरमाल तैयार करेंगे बगैर अवन के, बगैर तंदूर के। आज जो हम शीरमाल तैयार करने जा रहे हैं, आप इस शीरमाल को तवे पर या फ्राई पैन में इजीली बना सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक गिलास हल्का गरम दूध लिया है, वो डाल रहे हैं। एक कप चीनी डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून नमक डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट शामिल कर रहे हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका, अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इससे आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 कप मैदा लिया है यानी पर्पस फ्लोर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1 अंडा शामिल कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल रहे हैं। दूध से हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको गूंदना है। शीरमाल की जो डो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए हमने इसका आटा थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है। ये आटा गूंद चुका, आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने आटे को सख्त ही रखा है। अब ये हमने 1 कप घी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम घी इसके अंदर शामिल करेंगे और उंगलियों से इस तरीके से हम इसको गड्ढा कर करके ही शामिल करेंगे ताकि घी अच्छे से अंदर तक शामिल हो सके। आटा गूंद चुका, ये हमने थोड़ा सा घी बचा लिया है, लास्ट में हम शीरमाल के ऊपर इसको लगाएंगे। अब हम इसको प्लास्टिक के रैपर से इस तरीके से कवर कर रहे हैं। आप किसी भी ढक्कन से इसको कवर करके रख दीजिए 2 घंटे के लिए और गर्म जगह पे आप इसको रखिएगा ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। अब हम इसे 2 घंटे के बाद देखेंगे। ये आप देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं, आटा फूल के डबल हो चुका है। अब हम इसकी एयर निकाल लेंगे। एयर आपने इसके अच्छे से निकालनी है। ये हो चुका, अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम बॉल्स तैयार हो चुके हैं। थोड़ी सी खुश्की डालेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे और बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने शीरमाल की जो रोटी की मोटाई है वो ना ही ज्यादा पतली रखी है ना ही ज्यादा मोटी रखी है, बिल्कुल नॉर्मल रखी है। अब रोटी के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। आप किसी भी स्टिक से, फॉक से निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चमचा लिया है, उसके पीछे वाले हिस्से से मैं इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ।
ये तमाम निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम इसे डाल लेते हैं। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने शीरमाल को हाई हीट पे नहीं बनाना, बिल्कुल स्लो हीट पे ही रख के आपने इसको बनाना है। तेज हीट पे बनाएंगे तो ये जल जाएगा और जल्दी से ये पक जाएगा। हमने इसकी साइड को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, जिस तरीके से शीरमाल का कलर होता है इसी तरीके से हमने इसका कलर रखना है। रोटी को उठा उठा के चेक करते रहना है, जैसे ही ब्राउन हो जाए, पक जाए नीचे से, तो हमने इसकी साइड पलट देनी है। ये इसकी साइड हो चुकी है, अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड को भी हमने इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है। ये दोनों साइडें हो चुकी, अब हम इसे निकाल लेते हैं और पानी में इसको हमने थोड़ा सा डीप कर लेना है। आप इसका ऊपर पानी का छींटा भी मार सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको हल्का सा डीप करके निकाल रही हूँ। ये हो चुका, अब हम इसके ऊपर घी लगा लेते हैं। ये हमारा एक तैयार है। इस तरीके से जितने भी हम तमाम तैयार कर लेंगे। ये तमाम तैयार हो चुके हैं, बहुत इजी है इनको बनाना। आप इसको बनाइए, घर में तैयार कीजिए और अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको आज ही मेरी रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।